सत श्री अकाल पीडीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर। सो एनएसए दे सर्वे दे विच पंजाब दी सिक्ख्या नूं मोहरी दस्या गया, जिस तों बाद खूब अध्यापकां दी भी प्रशंसा हुई। पर अज जदों मुद्दा विधानसभा दे विच गूंजिया तां मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सेंटर दे वल्लों इस कीते गए सर्वे दी खारिज करदे हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस ते बोलदे हुए नजर आए। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ही पंजाब दे स्कूलां दी उपलब्धि नकार दित्ती है। इस दौरान विधानसभा दे विच एनएसए दे सर्वे संबंधी बयान दिता गया ते कहंदे हुए नजर आए कि सिक्ख्या खेतर दे विच पंजाब जाली नंबर ते नंबर वन। केंद्र सरकार दे एनएसए 2021 दे सर्वे दे विच पंजाब दे स्कूल नंबर वन आए सन। तो इस सब दौरान विद्यार्थियों की खूब प्रशंसा हुई, अध्यापकों की खूब प्रशंसा हुई। पर जदों विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों चंगी कारगुजारी लई अध्यापकों नूं उत्साहित करन दी गल आखी गई, तो इस दौरान नैशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 उत्ते ही पंजाब दे मुख्यमंत्री सवाल चुकते हुए नजर आए। देश के 1,18,000 स्कूलों के 34 लाख विद्यार्थियों ने सर्वे दे विच हिस्सा लिता सी। पंजाब के 3,656 स्कूलों के 1,17,000 विद्यार्थी इस सर्वे दे विच शामिल हुए सन। की कुछ कहा गया उन्होंने वालों, सुना दें। एजुकेशन उतों दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब नंबर वन पर चढ़ाया, नंबर वन ते तुहानू सगों एक मिनट तुहानू ते तुहाडे एजुकेशन मिनिस्टर नू उस नू सो एक्सेप्ट करना चाहिए विद ओपन आर्म्स। हुण इह गल वक्री है कि तुहाडी पॉलिसी दे मुताबक ना होए, क्योंकि आपां सैल दिल्ली कर रहे सी, आ गई पंजाब दी। जदों अपना पुत्तर कोई चंगी कार्रवाई करके आंदा ते बाप नू छाती नाल लाणा चाहिए। पंजाब स्टूड वन, यू मस्ट गिव फुल क्रैडिट टू द टीचर्स, टू द हैडमास्टर्स, टू द स्टूडेंट्स एंड टू योर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो। जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो कि नंबर वन, उस नंबर वन दे विच बहुत कुछ लुकया होया, काफ़ी टाइम लग जूगा, मैं दस दूंगा फिर, ठीक है ना। कल्ले बाहरों रंग करके समार्ट स्कूल नहीं बनते, बाहरों रंग करके समार्ट स्कूल नहीं बनते सर। अंदर की हाल है, स्कूल के अंदर की हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई किसी बैठने को जगह है, कितने पीने को पानी है, कोई टीचर कितने ने टीचर। असं 3 महीनों के खोल दी बाजवा साहब, ये नंबर वन नहीं है, ये जाली नंबर वन है, ये जाली नंबर वन है, असली नंबर वन असं करके दिखावांगे। सो पंजाब दे सिक्ख्या मॉडल सामने फेल, दिल्ली दे मॉडर्न स्कूल ने की एनएएस सर्वे दे विच एनएएस सर्वे 2021 दे नतीजे सामने आए, जिस दे विच पंजाब सब तो मोहरी रहा। जमात तीजी दे विच 59% ते पंजाब दे विच 71% विद्यार्थी सब तो मोहरे नजर आए ने। पर उते ही दिल्ली दे विच केवल 48% विद्यार्थी ही रहे। उते पंजवी दी गल कीती जावे तो 61% विद्यार्थी, तो उतें ही दिल्ली दे केवल विद्यार्थियों के वलों 45% अंक ही हासिल किए गए हैं। दसवीं के नतीजे भी कुछ इस ढंग के नाल ही रहे। दसवीं के नतीजा दे विच 50% नंबर दे नाल पंजाब मोहरी रहा, तो उतें ही दिल्ली केवल 45% नंबर ही हासिल कर सकया है। हालांकि एनएएस के सर्वे दे विच विद्यार्थियों की खूब शलाघा हुई, अध्यापकों की खूब शलाघा हुई, पर इस विचकार मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र सरकार दे वल्लों करवाए जाते इस सर्वे दू ही ना मानते हुए नजर आए। कहिंदे नजर आए ये तो जाली सर्वे है, पर पंजाब का जो सिक्ख्या मॉडल है वह जाली नंबर से पहले नंबर पर है। हालांकि ये सवाल खड़े किए गए हैं। रुक कर लें, रविंदर मीत बने हुए हैं इस खबर से। रविंदर, पहला तो जो सर्वे होया उस अध्यापकों की खूब शलाघा हुई, विद्यार्थियों की खूब शलाघा हुई, बनती भी सी क्योंकि सब तो पहले नंबर पर पंजाब रहा, दिल्ली नूं पछाड़िया, कई होर सूबियां नूं पछाड़िया। पर इस सब विचकार मुख्यमंत्री भगवंत मान जो अपने ही विद्यार्थियों की उपलब्धि नहीं गिणाते, केंद्र सरकार के सर्वे उत्ते सवाल चुक देते हैं, तो बहुत ही त्रासदी वाली गल भी साबित होंदी है। बिल्कुल काफी, करीब एक महीने पहला जो अचीवमेंट सर्वे होया सी ओ सर्वे अज फिर एक बार चर्चा का विषय बढ़ गया, चर्चा का विषय सदन के अंदर बढ़िया, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा एलओपी लीडर ने विधानसभा के अंदर, विरोधी धिर के लीडर ने, उन्हां वालों एक बार फिर तो इस मसले नूं विधानसभा के अंदर चक्या गया। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा गया कि भगवंत मान पंजाब के टीचरां नूं, पंजाब के बच्चों नूं शाबाश दे रहे इस चीज की पंजाब नंबर वन
स्टेट बनिया नैशनल अचीवमेंट सर्वे दे विच तां उसदे रिवर्ट दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों बड़े हैरानीजनक जिहड़ा बयान दिता गया कि इह जिहड़ा सर्वे हैगा इह सर्वे बड़े उस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए कि यह फर्जी सर्वे हैगा इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए तो उस एतराज ओपोजिशन वालों जाहिर किया गया कि पंजाब के बच्चों का अपमान हैगा। पंजाब के बच्चों ने बड़ी मेहनत के नाल नैशनल अचीवमेंट सर्वे के हिस्सा लिया भाग लिया मेहनत के नाल पंजाब पहले नंबर पर आया दिल्ली के जिहड़ा सिक्ख्या मॉडल है उन्होंने पछाड़ के पहले नंबर पर आया तो इस तरीके के शब्द यूज करने इस्तेमाल करने का एक मंदभागी गल है। विरोधी धिर वालों अज कही गई हालांकि एक बड़ी वड्डी स्टेटमेंट मनिया जा रहा क्योंकि पंजाब के बच्चों ने जिहड़ा यह सर्वे दे विच टॉप किया पहले नंबर पर पंजाब के बच्चे देखने को मिले तो इस विच अगर गल करिए यह सर्वे की गल कर लें इस सर्वे दे विच करीब करीब 34 लाख स्टूडेंट ने हिस्सा लिया जिन्हां दे विच 15 कैटेगरी सी जिहदे चो 10 कैटेगरी ते पंजाब दे स्टूडेंट्स ने बाजी मारी सी तां इह हुण इक विवादित विशा भी बन चुका। अगर सीएम इस तरह की स्टेटमेंट देंगे ने पंजाब के इस सर्वे के लिए नैशनल सर्वे के लिए पंजाब के बच्चों ने इन्नी मेहनत के नाल जो सर्वे के पहले स्थान से हासिल किया तो उस लैके जोड़ा है एक बार फिर तो विवाद बनता हुआ भी नजर आ रहा। विरोधी पार्टियां हुण घेरना शुरू कर चुकी ने पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार को कि इस तरीके के विवादित बयान नहीं देने चाहिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए असी स्कूलों के प्रिंसीपल्स टीचर्स बच्चों इसकी शाबाशी देनी चाहिए थी पहले स्थान से पंजाब को लेके आता तो मुख्यमंत्री ने इतों तक भी कह दिया कि सिर्फ कंधा के उत्ते पेंट करना ही नंबर वन नहीं होता असी अगे इस नंबर वन लेके आवेंगे लेकिन जोड़ा नंबर वन लिया गया पिछले सर्वे के उसकी तारीफ कितने ना सिक्ख्या मंत्री ने की ना पंजाब के मुख्यमंत्री ने की जिसे करके ओपोजिशन ने कहा कि पंजाब के जो टीचर है प्रिंसीपल है वो काफी निराश है जरा अज एक वड्डी खबर सदन दे विचों निकल के सामने आई है तो हुण देखना होगी कि ओपोजिशन होर अगे इस मसले से की कहती है लेकिन हाल फिलहाल इस मसले से सियासत जरूर तक चुकी है। फिलहाल ही थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर इस तमाम जानकारी लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के विद्यार्थियों की पंजाब के अध्यापकों की इस उपलब्धि मान के राजी नहीं ने यह मान के राजी नहीं ने कि पुरानिया सरकार के वालों कोई चंगा काम भी किया गया है। अगे वादे तो सीधा लै चलते हैं पंजाब विधानसभा के अंदर जिथे रिजल्ट आ जाना सैशन चलते ही आ जाना काफ़ी चानना होजू सानू भी होजूगा इन्हों भी सारे ही हो जाना तो भी हो जाना क्योंकि लोगों बहुत व्डिया उम्मीदा ने साढ़े तो तुम उम्मीदा कुछ होर ज़्यादा जगा दियां लोगों दियाँ भी थोड़ा हर मसला असं हल करा तो अज लोग देखते हैं भी शायद साडा जो भी निजी मसला भी वह भी हल करे मैं भी लोगों के ही रहना असं रोज़ लोगों के जाने सो समा आऊ चोणा आई जानिया ने तुहाडे सामने सारा कुछ आई जाना वा। सो गल है भी आपां जिथे पंजाब दे लई चंगा काम सरकार करूगी उत्थे असीं उहदी प्रेज भी करांगे उहदा साथ भी देवांगे जिथे कमी होगी उत्थे क्योंकि इत्थे मैं देखिया कि जिहड़े उल्ट बैठे आ ज़्यादातर विरोध की गल ही करदे आ लेकिन मेरी सोच वक्री है मैं बिना वजह तो कदे किसी के खिलाफ कोई गल नहीं करता छेती कितने स्टेटमेंट नहीं दिता मेरी एक सोच आ भी पॉजिटिव सोच लैके जिंदगी दे विच चल रहे हाँ कि हर जगह नुक्ताचीनी नहीं करनी चंगे नूं चंगा भी कहना जे कोई माड़ा तो उन्हूं माड़ा भी कहना। सो सरकार दे जिहड़े आ टाइम लंघिया उहदे विच जिहड़े कुछ चंगे फैसले भी होए ने कोई माड़े भी लॉ एंड ऑर्डर ते गल बाजवा साहब ने कर ली है मैं ज़्यादा विस्तार च नहीं जाना लेकिन 3 महीने दे विच तुहाडी जिम्मेवारी आ सरकार दी वड्डी लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करना लेकिन हालात जिहड़े बने हुए ने अज लोकां दे मन दे विच डर दा माहौल आ साढ़े सरकार वेले दीआं गल्लां कीतीआं गईआं जे उत्थे कोई कमियां रहीआं तां ही 3 रह गए असीं। सो अज 3 महीने दे विच जिहड़े कतल होए ने लुटमार हुई आ सिद्धू मूसेवाले दा जिहड़ा कतल होया उहदे लई सरकार सीधे तौर ते जिम्मेवार आ सरकार दी अणगहिली करके कतल होया इहदे विच दूजी कोई राय नहीं। उह सारी गल दस्सी मैं उह रिपीट नहीं करना चाहुंदा। कल ही साढ़े मेरे नाल पिंड बारनहड़ा उत्थे एक नौजवान आ रहा सी फाइनैंस का काम करता स्कूटर वाले दो पिछे लगे चलो उन्हें गड्डी भजाई उन्होंने स्कूटर भजा लिया वो उन्हें एकदम कट मारिया तो कंध च लग के एक मौके पर मर गया 3 पिस्तौल मिले उन्होंने को कल की गल आ उहदे पिंड दे विच ही आपदे पिंड दे विच ही उसी चाहे जलंधर दे। सो कहण दा भाव कि इस तरह दीआं जिहड़ीआं घटनावां वापर रहीआं ने उहदे नाल लोकां दे विच एक डर दा माहौल आ जिहड़ा उह बणिआ होइआ इस लई लॉ एंड ऑर्डर नूं आउणे समें दे विच इस चीज़ नूं इस स्थिति नूं कंट्रोल करना
सरकार की है जी बहुत वड्डी जी जिम्मेवारी बनती है। सो यही कि असी ये कहें भी 3 महीने के ठीक है जेड़ा जेड़ा ने इतने बीजना जो तुम बीजना थोड़ा बढ़ना पैना। मैं परमात्मा मनने वाला इंसान हाँ, बड़ा कुछ इन भी सरकार नहीं करना, कुछ लोग कुछ गल् कुदरत ने तो बहुत चीज़ों से सज़ा देनी आ। तो मैं ज़्यादा एक मिनट होर अच्छा सॉरी कहण का भाव कि बहुत गल्लां दी सज़ा कुदरत ही दे दिंदी आ, जो बीजे बढ़ना पैना। सो इसलिए असी सारे चाहते हैं कि जिहड़ा पंजाब आ इत्थे अमन शांति रहे, क्योंकि जे अमन शांति उहदे नाल ही पंजाब की तरक्की आ। तुहाडा व्यापारी आ चाहे कोई बिजनेसमैन आ इंडस्ट्रियलिस्ट आ, सारी इंडस्ट्री से ता ही आनी आ, पंजाब ने ता ही कामयाब होना। मैं खेती नाल भी जुड़े हाँ, असी रियल स्टेट नाल भी जुड़े हुए हाँ, थोड़ी जी गलते साड़ी रियल स्टेट का जो काम आ उतरा चढ़ा बड़े आते हैं, थोड़ी घटना वापर गई लोग जल्दी डर जाते हैं कि पंजाब के हुण रहने वाला माहौल नहीं, उत्थों बाहर निकलो। सो इसलिए एक बहुत वड्डी जिहड़ी जिम्मेवारी आ सरकार की कि लॉ एंड आर्डर मेनटेन रखा जाए। दूसरा मसला जिहड़ा खेतीबाड़ी की मैं गल करा एग्रीकल्चर की, साडा जिहड़ा पंजाब का मुख किता खेतीबाड़ी आ। पंजाब ने पिछले समय के बहुत वड्डा पंजाब का योगदान रहा समुचे देश का ढिड भरन दे विच, असी अपनियां जिहड़ियां जमीन अपना पानी जिहड़ा वो खत्म कर लिया। तो लेकिन अज आने वाला समा जिहड़ा साडे लई बड़ा वड्डा चिंता का विशा। सरकार ने एक चंगा उपराला किया, सीधी बिजाई की गल जिहड़ी शुरू की आ, वो जिहड़ा एक पानी नूं साडे नूं बचाउण अज समय की बड़ी वड्डी लोड़ आ। सो दे लई ठीक आ जो टीचा मिथिया गया सीगा, मैं पिछले तकरीबन 5 सालों तो सीधी बिजाई करता आ रहा, अज भी लुधियाने जिले के सब तो वध जे सीधी बिजाई हुई तो मेरे को, क्योंकि जिते कणक सी उत्थे असीं तकरीबन सारी सीधी बिजाई इस बार भी की आ। ये पानी नूं बचाउण दा एक बहुत वड्डा हल हैगा। कारण की है भी असीं एक लेयर बना दिंदे सीगे कद्दू करके भी पानी नीचे ना जाए, पानी कढ रहे हां लेकिन मसाम बंद कर दिते जमीन दे पानी थले ना जाए, वो गर्मी हुंदी आ वैपोरेट हो रहा सारा, उहदे करके पानी जिहड़ा थले भी जा रहा सीगा, उहदे करके हुमस की प्रॉब्लम जिहड़ी साडी इस टाइम दे विच आ जांदी है, क्योंकि खेतों पानी भरिया होया वो तप रहा, उधर गर्मी पै रही आ, भाप बन के उड़ रहा, वो करके हुमस, वो करके बरसात भी घट रही आ। पंजाब दे विच झोने करके, मैं उत्तर प्रदेश दे विच भी खेती करदा बहुत सालों तो, उत्थे साडे गन्ने की खेती हुंदी आ 80%, उत्थे पानी पिछले 60 सालों के एक इंच भी डाउन नहीं गया, 7 फुट के पानी आ। कारण कि भी झोना बहुत घट लगता, पानी कढ़ते हैं लेकिन सारा रीचार्जिंग हो रहा वा। सो ये रीचार्जिंग येगा सीधी बिजाई हो रीचार्जिंग होगा, ये सरकार को भी चाहिए सी, सारिया किसान जथेबंदियों के नाल ते जिहड़े अगां वधू फार्मर ने उन्होंने एक मीटिंग करनी चाहिए सी, उन्होंने भरोसे च लेना चाहिए सीगा भी ये दसो जिहड़े बंदे कर रहे हैं पिछले सालों तो, क्योंकि असी जिते खेती है कर रहे हैं साड़ी जमीन रवेसर आ रेतली थोड़ी जमीन आ, ज़्यादा डाकर नहीं, आलू की उत्थे खेती भी होंगी आ। तो उसे मेरा भी दिल करता कि तुहाडी गल सुणा पर समय की कंस्ट्रेंट है। मैं सो विधानसभा के अंदर दी तस्वीर जिथे श्रोमणी अकाली दल ते बसपा दे सांझे विधायक मनप्रीत अयाली बोलते हुए नजर आ रहे सन, तो इस दौरान उन्होंने वालों सूबे दे विच विगड़ती हुई कानून व्यवस्था उत्ते चिंता जाहिर की गई, तो नाल ही खेतीबाड़ी उत्ते बोलते हुए नजर आए। रुकांगे इत्थे इक ब्रेक दे लई, जल्द हाजिर हुंदे हां।